प्रेगनेंसी कब नहीं होती है, यानी कि पीरियड के बाद किन दिनों में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, ये अक्सर सवाल मेरे पास कमेंट बॉक्स में आता ही रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पीरियड के बाद किन दिनों में आपको रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मेल का स्पर्म और दूसरा फीमेल का एग। और इसीलिए मेल के स्पर्म को रोकने के लिए प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कंडोम हो या फिर कुछ और। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं तो या तो मेल के स्पर्म को रोकना पड़ेगा या फिर फीमेल के एग को। अब मेल के स्पर्म को आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोटेक्शन इस्तेमाल ना करने का डिसीजन ले लिया है। तो ऐसे में आपको उन दिनों को अवॉइड करना चाहिए जिन दिनों में महिला के शरीर में एग अवेलेबल होता है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है। एक बात और ज़रूरी है कि मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, यानी कि अगर आज के डेट में ओव्यूलेशन हुआ और आपने इससे 4 से 5 दिन पहले भी रिलेशन बनाया है तो भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक महिला का पीरियड साइकिल कैसे काम करता है और आप उन दिनों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं जिन दिनों में महिला के शरीर में एग अवेलेबल होता है। तो देखिए, हर महिला को अपना पीरियड साइकिल पता होता है। ज़्यादातर महिलाओं का पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन का होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है महिला से महिला के बीच में कि उनका पीरियड साइकिल क्या है। मिनिमम पीरियड साइकिल 22 दिन से लेकर के मैक्सिमम पीरियड साइकिल 38 डेज तक का होता है, जिसको कि एक नॉर्मल पीरियड साइकिल माना जाता है। इसके बाद के पीरियड साइकिल को कंसिडर नहीं कर सकते इस केस में, लेकिन इस तरीके के पीरियड साइकिल को जिसमें 22 से लेकर के 38 दिन का अगर पीरियड साइकिल है तो उसे एक नॉर्मल पीरियड साइकिल की तरह कंसिडर करके आप जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको मान सकते हैं। चलिए कंडीशन ले लेते हैं कि यहाँ पर एक महिला है जिसका पीरियड साइकिल 32 डेज का है और उसको लास्ट पीरियड जो आए थे वो 1 जुलाई को आए थे। अब इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो महिला के अगले पीरियड लगभग 3 अगस्त को आने वाले हैं। आपको हमेशा जो आने वाली डेट है उससे 14 दिन कम कर देने हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है। तो 3 अगस्त से 14 दिन पीछे अगर हम आते हैं तो 19 जुलाई का टाइम आ जाता है। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि मेल का स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर लगभग 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, तो आप 5 दिन और घटा दीजिए, यानी कि लगभग 19 दिन कम करके चलिए जब पीरियड की डेट आने वाली है उससे, यानी कि हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई की। 1 जुलाई को अगर पीरियड आए थे तो 6 जुलाई को ख़त्म हो गए। तो 6 से लेकर 14 जुलाई का पीरियड साइकिल जो है वो सेफ है रिलेशन बनाने के लिए। उस समय पर सबसे कम चांस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। इसी तरीके से 19 जुलाई को लगभग ओव्यूलेशन होगा जिस दिन एग निकलेगा, तो हम उसके बाद भी 5 दिन और ऐड करके चलते हैं, यानी कि 24 जुलाई के बाद से लेकर के 3 अगस्त तक का पीरियड साइकिल जो है वो भी सेफ होगा जिन दिनों में रिलेशन बनाने से आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। लेकिन एक बात साफ कर देता हूँ कि कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। चांसेस कम होते हैं पर प्रेगनेंसी फिर भी हो सकती है, क्योंकि होना वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो इसलिए आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके रिलेशन बना सकते हैं और अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।